हेलो एवरीवन, तो आज हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि इंकवेल विजेट एंड गेस्चर डिटेक्टर विजेट में क्या डिफरेंस है। तो उससे पहले ये दोनों विजेट कहाँ पर यूज़ होते हैं, तो अगर हमें कोई भी विजेट को, इमेज हो गया, टेक्स्ट हो गया, कंटेनर हो गया, किसी भी विजेट को हमें अगर टैपेबल बनाना है या उसमें कुछ इवेंट परफॉर्म करना है उसके क्लिक पर, तो ये दोनों विजेट का हम लोग यूज़ करते हैं। तो दोनों में ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, दोनों विजेट क्या गेस्चर डिटेक्ट करने के लिए यूज़ होते हैं। ओके, गेस्चर डिटेक्ट करने के लिए यूज होते हैं। दोनों में कुछ ना कुछ अपना अपना अलग अलग प्रॉपर्टी है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इंकवेल विजेट क्या होता है। ओके, तो इंकवेल विजेट क्या है, मटेरियल डिजाइन का एक विजेट है। तो इंकवेल विजेट में क्या होता है कि जब भी हम लोग इंकवेल यूज करते हैं किसी भी कंटेनर पर, तो उसको अगर मैं क्लिक करूंगा तो एक रिपल इफेक्ट मुझे दिखेगा, वहां पर एक इंक स्प्लैश दिखेगा मुझे। ओके, क्लिक करने पर एक रिपल इफेक्ट दिखेगा बटन पर। तो किसी भी विजेट पर हम लोग इंकवेल विजेट लगाएंगे और उसमें अगर ऑन टैब हम लोग प्रॉपर्टी देंगे और उसको क्लिक करेंगे तो हमें एक रिपल इफेक्ट दिखेगा। तो इसकी की प्रॉपर्टीज क्या है जो हम लोग मोस्टली यूज करते हैं, जैसे कि हमें कुछ ऑन टैप प्रॉपर्टी हमें मिल जाएगा जो कि हमें कुछ इवेंट ट्रिगर करने को हमें देगा वो। ओके, तो इसमें एक और प्रॉपर्टी होता है ऑन डबल टैप प्रॉपर्टी होता है। डबल टैप आपको करना है, कुछ एक्शन परफॉर्म करना है, या तो आपको लॉन्ग प्रेस दबा के रखना है तब कुछ एक्शन परफॉर्म होना चाहिए, तो हम लोग इसके अंदर यूज करेंगे ऑन लॉन्ग प्रेस बटन। ओके, और इसमें चाइल्ड प्रॉपर्टी होता है, तो चाइल्ड में हम लोग कुछ भी दे सकते हैं। चाइल्ड इसका कंटेनर भी हो सकता है, इमेज भी हो सकता है, टेक्स्ट भी हो सकता है, बटन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ओके, चाइल्ड इसका, तो इसका एग्जांपल हम लोग करके देखने वाले हैं एंड्रॉइड स्टूडियो पर। ओके, और देख लेते हैं अभी यहाँ पर गेस्चर डिटेक्टर। गेस्चर डिटेक्टर और इंकवेल में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। गेस्चर डिटेक्टर में हमें रिपल इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है। ओके, अगर उसको करना है हमें रिपल इफेक्ट, तो कुछ इनेबल हमें करना होगा वहाँ पर। ओके, और यहाँ पर गेस्चर डिटेक्टर में हमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज मिल जाती है, जिसमें ऑन टैप तो होता ही है, ऑन डबल टैप भी होता ही है। ओके, इसके साथ साथ हमें क्या मिल जाता है, ऑन लॉन्ग प्रेस मिल जाता है जो कि ऑलरेडी इंकवेल में भी था। इसमें एक और प्रॉपर्टी होता है ऑन पैन अपडेट एंड ऑन स्केल अपडेट, और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है जो कि हम लोग एंड्रॉइड स्टूडियो में देखने वाले हैं। ओके, ऑन पैन अपडेट में क्या होता है, अगर आप फॉर एग्जाम्पल अगर आपको किसी इमेज पर ड्रैग इफेक्ट चाहिए, मतलब ड्रैग मैं करूँ अगर इमेज को तो मुझे कुछ इवेंट परफॉर्म होना चाहिए, या तो वो राइट टू लेफ्ट होना चाहिए, या तो लेफ्ट टू राइट होना चाहिए, या तो टॉप टू बॉटम, या तो बॉटम टू अप होना चाहिए, मतलब मैं ड्रैग करूँ अगर तो कुछ इवेंट परफॉर्म होना चाहिए, तब हम लोग यूज़ करेंगे गेस्चर डिटेक्टर का। उसमें प्रॉपर्टी रहेगी हमारे पास ऑन पैन अपडेट। ओके, या तो कुछ इमेज को हमें अगर जूम करना है तो कुछ एक्शन परफॉर्म करवाना है, तब हम लोग यूज़ करेंगे ऑन स्केल अपडेट करके। ओके, तो ये सारी प्रॉपर्टी इसमें है, दोनों सेम यूज। तो दोनों विजेट ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, दोनों विजेट में हम लोग ऑन टैप प्रॉपर्टी ही ज़्यादातर यूज करते हैं। ओके, और आपको जिस तरह का नीड होगा तब आप यूज़ करोगे इंकवेल या तो गेस्चर डिटेक्टर। अगर आपको ड्रैग प्रॉपर्टी यूज़ करना है तो आप गेस्चर डिटेक्टर यूज़ करोगे, अगर आपको नॉर्मली ऑन टैप प्रॉपर्टी यूज़ करना है तो सिंपली आप इंकवेल यूज़ कर लेना। यहाँ पर आ गए हम लोग एंड्रॉइड स्टूडियो पर, जिसमें मैंने क्लास बनाया है इंकवेल वर्सेज गेस्चर डिटेक्टर करके क्लास बना दिया, जो कि स्टेटलेस क्लास है, जिसमें मैंने बिल्ड मेथड में स्कैफोल्ड को रिटर्न किया है। फिर उसके सेंटर में, बॉडी के सेंटर में मैंने कंटेनर एक लिया जिसका हाइट एंड विड्थ 200 200 है, जिसका कलर लाइट ग्रीन है जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा है। फिर उसका चाइल्ड मैंने दे दिया है टेक्स्ट विजेट जिसका नाम है सबमिट। ओके, सबमिट। तो अभी इस कंटेनर को मुझे टैपेबल बनाना है, अगर मुझे इसके क्लिक पर कुछ ना कुछ इवेंट परफॉर्म करना है तो मैं क्या करूँगा, इंकवेल विजेट या तो गेस्चर डिटेक्टर विजेट यूज़ करूँगा। तो सबसे पहले मैं इंकवेल विजेट यूज़ कर लेता हूँ। तो मैं इसको टैप किया कंटेनर को, इसको रैप करूंगा विथ अ विजेट और इस विजेट का नाम मैं दूंगा इंकवेल। ओके, इंकवेल दे दिया। इंकवेल के अंदर मुझे प्रॉपर्टीज मिल जाती है बहुत सारी, ऑन टैप, ऑन डबल टैप, ऑन फोकस चेंज, ऑन लॉन्ग प्रेस। ओके, ये सारी प्रॉपर्टी हमें इंकवेल में मिलती है। ओके, तो मैं जनरली यूज करता हूँ मेरा ऑन टैप मेथड। ओके, ऑन टैप, ऑन टैप। ओके, ऑन टैप पे क्या होना चाहिए मैं प्रिंट करा लेता हूँ अभी के लिए फिलहाल, कि जैसे ही मैं कंटेनर को टैप करूं तो मुझे पता चलना चाहिए भाई मेरा टैब हो गया है। ओके, टैब। ओके, और सेव कर लेते हैं इसको। अभी जैसे ही मैं कंटेनर को टैप करूंगा तो मेरा ये प्रॉपर्टी कॉल होगा प्रिंट टैब्ड। ओके, तो रन मेथड खोल लेते हैं अपना। तो देखो इसको जैसे मैंने टैप किया तो टैप टैप यहाँ पर प्रिंट होके आ रहा है, मतलब ये इंकवेल काम कर रहा है मेरा। ओके, लेकिन यहाँ पर मुझे कुछ रिपल इफेक्ट दिख नहीं रहा है टैप करने पर, जैसे कि मैंने बोला था कि इंकवेल में रिपल इफेक्ट दिखता है, तो यहाँ पर दिख नहीं रहा है। पता नहीं क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि सिमुलेटर है। अगर आप ये आपके रियल डिवाइस पे रन करोगे तो आपको एक रिपल इफेक्ट यहाँ पर दिखेगा जिसे मैं क्लिक करूंगा इसको तब। ओके, तो इस तरह से इंकवेल काम करता है मेरा। ओके, अभी इसके साथ में एग्जाम्पल देख लेते गेस्चर डिटेक्टर का। गेस्चर डिटेक्टर में इसको कर देता हूँ। गेस्चर डिटेक्टर में क्या क्या प्रॉपर्टी होती है हमारे पास वो भी देख लेते हैं। ऑन लिखता हूँ, देखो ऑन पैन अपडेट, ऑन वर्टिकल ड्रैग,
ये सारी चीज़ें इसमें हमें बहुत सारी चीज़ें इसमें मिलती है एज़ कम्पेयर टू इंक्वेल विजेट। ओके, तो आप कोई भी यूज़ कर सकते हो दोनों में से कुछ भी। ओके, तो मैं पहले चेक कर लेता हूँ ऑन टैप प्रॉपर्टी, इसको रन कर लेते हैं वापस से। ऑन टैप प्रॉपर्टी गेस्चर डिटेक्टर में इसमें ये रिपल इफेक्ट नहीं दिखता है। जैसे मैं इसको टैप करूँगा तो टैप करो तो यहाँ पे टैप टैप प्रिंट होके आ रहा है। ओके, अभी मैं एक कर लेता हूँ ड्रैग वाला कर लेता हूँ, जैसे कि ड्रैग का एग्जांपल देते हैं क्योंकि मेनली ड्रैग के लिए यूज होता है अपना गेस्चर डिटेक्टर। ओके, ऑन पैन अपडेट, चलो ऑन पैन अपडेट ले लेते हैं। ऑन पैन अपडेट क्या होता है कि आप ड्रैग करोगे, अगर इसको एक वेरिएबल चाहिए, वेरिएबल दे देते हैं अंदर। ओके, अभी ऑन पैन ड्रैग में क्या होता है कि आप जब भी कंटेनर को ड्रैग करोगे तभी वो आपका इवेंट कॉल होगा। ओके, मैं इधर अभी प्रिंट करा देता हूँ ड्रैग करके। ओके, ड्रैग आप इसको टैप करोगे तो ये कॉल नहीं होगा। देखो मैं सेव करता हूँ इसको, अब मैं इसको टैप करूंगा सबमिट बटन को, मैंने टैप कर रहा हूँ तो कुछ भी एक्शन इसमें परफॉर्म नहीं हो रहा है। अब मैं ड्रैग करता हूँ, ड्रैग मतलब एक तरफ से दूसरे तरफ जाता हूँ, देखो ड्रैग कॉल हो रहा है। अब ऊपर से नीचे आता हूँ, ड्रैग कॉल हो रहा है। ओके, तो ये ड्रैगिंग का प्रॉपर्टी अगर आपको यूज करना है तब आप कर सकते हो गेस्चर डिटेक्टर का यूज। तो इसमें एक और प्रॉपर्टी होता है अपना ऑन स्केल करके भी होता है। ओके, ऑन स्केल स्टार्ट अपडेट। ओके, तो लेकिन ये ऑन स्केल अपडेट यहाँ पर अभी कॉल नहीं होगा क्योंकि मेरे पास सिमुलेटर है, सिमुलेटर में मैं जूम इन जूम आउट नहीं कर सकता। ओके, तो ये वाला प्रॉपर्टी इस तरह से काम करता है। तो गेस्चर डिटेक्टर और इंक्वेल में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों में से आप कोई भी यूज कर सकते हैं एज पर योर नीड। ओके, तो अगर आपको कहीं पर भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।